और भाई स्टेशन पे जाने के लिए प्लेटफार्म टिकट नहीं दिया जा रहा है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है, भीड़ की वजह से ही प्लेटफार्म टिकट नहीं दिया जा रहा है। और देख सकते हैं ये लोग वहाँ पे सोए हुए हैं ऐसे ही बिछा करके अपना। भाई आप लोग अंदर का व्यू देख सकते हैं, यह काफ़ी आधुनिक स्टेशन है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है और यहाँ पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिल रहा है। भाई आप लोग समझ सकते हैं बिना टिकट के आप अंदर नहीं आ सकते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में। और मैं इस ब्लॉग में देने वाला हूँ आप लोग को अयोध्या धाम जंक्शन का न्यू अपडेट, और जो अयोध्या धाम जंक्शन का स्टेशन कोड है AY है। चलिए चलते हैं और ब्लॉग को शुरू करते हैं। और इस समय देख सकते हैं सामने रास्ता है। भाई इस समय भीड़ बहुत ज़्यादा है, जाम इतना लग रहा है ना। हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट बगल में, यहाँ पर अयोध्या धाम जंक्शन का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर एक बड़ा सा गेट बनाया गया है जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है। और यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद इतना यहाँ पर क्राउड हो गया, इतना ज़्यादा भीड़ हो गई, इतना ज़्यादा श्रद्धालु या दर्शनार्थी आ गए हैं कि एकदम पूरी तरह से अयोध्या में इतना ज़्यादा भीड़ हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकता। और स्टेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। इस साइड में आगे जो पुलिस है किसी भी वाहन को जाने नहीं दे रही है, ये देख सकते हैं सब लोग। अभी बहुत सी ट्रेनें जो कि रूट डाइवर्ट है, सभी ट्रेनें आ भी नहीं है, यहाँ पर आ भी नहीं रही हैं सभी ट्रेनें। और यहाँ पर देख सकते हैं उसके पहले ही यहाँ जंक्शन से पहले ही, अयोध्या धाम जंक्शन से पहले ही यहाँ पर सभी गाड़ियाँ देख रहे हैं आप लोग रोक दी गई है। मैं चलिए दिखाता हूँ, कुछ ही दूर पर है अयोध्या धाम जंक्शन और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है क्योंकि आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, फोर व्हीलर या टू व्हीलर या ई रिक्शा किसी भी साधन को स्टेशन पर जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि वहाँ पर क्राउड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगी हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है स्टेशन की तरफ में, पैदल यात्री ही जा सकते हैं स्टेशन पे। और आप लोग देख सकते हैं सामने यह यात्रियों के लिए ठहरने के लिए बनाया जा रहा है, जो साधु संत या जो भी यात्री आएंगे यहाँ पर रुकने के लिए उनके लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि आप सामने इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लैट्रिन बाथरूम वाला व्यवस्था किया जा रहा है, और इस साइड में भी देख सकते हैं बहुत सारे रेडीमेड बने बनाए यहाँ पर आए हैं और काफ़ी दिनों से यहाँ पर काम चल रहा है। तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं आपका हाइड्रा भी है और यहाँ पर अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है क्योंकि मंदिर के खुल जाने से काफ़ी यहाँ पर संख्या में भीड़ बढ़ गई है, और जिसकी वजह से स्टेशनों पर लोग रुक रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं, उसी की वजह से इसका काम रात दिन चल रहा है। दो शिफ्ट में रात के काम करने वाले अलग लोग होते हैं और दिन के काम करने वाले अलग होते हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ये पानी की व्यवस्था की जा रही है यहाँ पर देख सकते हैं इस साइड में। उधर भी देख सकते हैं अभी काम चल रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं और इस साइड में देखिए पहले बोर्ड लगा हुआ है कार पार्किंग, तो ये सब पहले था, अब ये सब हटा दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर यात्रियों के लिए बनाया जा रहा है जो। और इस साइड में देखिए टैक्सी लेन लिखा है, इसी तरह आगे स्कूटर एवं साइकिल में स्कूटर स्टैंडर्ड लिखा है, तो ये पहले हुआ करता था। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा हैं भाई। ये देखिए चना डाला गया है, ये लोग खा रहे हैं चना। ये देखिए सुरक्षा बल की यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, देख सकते हैं ये पूरा स्टेशन आप। यहाँ पर तीन प्लेटफार्म थे जिसे अब बढ़ाया जा रहा है, पटरी भी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है और देख सकते हैं ये लोग वहाँ पे सोए हुए हैं ऐसे ही बिछा करके अपना।
और इस साइड में देख सकते हैं यहाँ पर लोग बैठे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है ना, देख सकते हैं। चलिए स्टेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं स्टेशन में जाने देते हैं कि नहीं। ये देख सकते हैं चारों तरफ आप यहाँ का भीड़, साफ सफाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। रात को देखने में यह स्टेशन और भी भव्य और सुंदर दिखता है। ये सामने है स्टेशन, अयोध्या धाम जंक्शन। और भाई स्टेशन पे जाने के लिए प्लेटफार्म टिकट नहीं दिया जा रहा है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। भीड़ की वजह से ही प्लेटफार्म टिकट नहीं दिया जा रहा है। अगर जिसके पास टिकट है वही प्लेटफार्म पर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ, मैं अंदर जाने के लिए टिकट लिया यहाँ से अयोध्या कैंट का, जो पहले फैजाबाद हुआ करता था। तो समझ सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा भीड़ है। अगर आप बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत आवश्यकता है, ऐसा समझते हैं कि नहीं मुझे चलना है, तभी आइए अयोध्या में या प्रभु श्री राम के दर्शन करने। नहीं तो आप एक डेढ़ महीने के बाद भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। और ये आप लोग टिकट देख सकते हैं, मुझे स्टेशन पर जाने के लिए यही टिकट लेना पड़ा, क्योंकि प्लेटफार्म टिकट नहीं मिल रहा है भाई। तो मैं सोचा चलिए आप लोग को व्यू दिखाने के लिए स्टेशन पर और नए न्यू अपडेट देने के लिए मैंने टिकट लिया। और ये देख सकते हैं अयोध्या धाम जंक्शन से अयोध्या कंट, और 30 रुपये टिकट का लगाया चार्ज। और मैं पीछे आप लोग को दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन 182 है, एकीकृत रेलवे हेल्पलाइन एवं रेल मदद के लिए 137 डायल कर सकते हैं। और भारतीय रेल यात्रा की लागत का औसतन केवल 57% वसूल करती है, ये पूरा इस पर लिखा गया। ऊपर G20 लिखा है और वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप लोग, देखिए कितने सारे यहाँ पर पैसेंजर लोग बैठे हैं बाहर का व्यू। ये है पूरा स्टेशन, और यहाँ पर खड़े नहीं भी होने दे रहे, यहाँ पर खड़ा भी नहीं होने दे रहे हैं। और सामने देखिए प्रवेश निषेध का बोर्ड लगा है, और इस साइड से बस एंट्री हो रही है इस साइड से। सिक्योरिटी देख सकते हैं यहाँ पर, हर तरफ आपको RPF के लोग दिखाई देंगे, बहुत सख्त सिक्योरिटी है भाई। अरे जाइते आए भाई जी, को जेल कोटा पटना। और यहाँ पर एंट्री एक साइड से मिल रही है, देख सकते हैं आप स्टेशन के ठीक सामने, ये देख सकते हैं यहाँ पर स्टेशन है, ये देख सकते हैं अयोध्या धाम जंक्शन लिखा गया है। और इस साइड देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री पूरी तरह से निषेध है, बस एक साइड से आप एंट्री कर सकते हैं, या आप इधर जा सकते हैं, वो भी अंदर से आएंगे तब। ये देख सकते हैं इस साइड से पूरा व्यू भाई, इस समय भीड़ को देखते हुए ऐसा इस समय सिचुएशन है कि यहाँ पर काफ़ी सिक्योरिटी लगाई गई है, बहुत सारे TT हैं। देखिए प्लेटफार्म का रास्ता, एक चीज़ है यहाँ पर हर जगह बोर्ड लगाया गया है कौन सा रास्ता कहाँ पे जाएगा। कल थोड़ा सा धाम पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ा जो भीड़ है अनकंट्रोल हो गई थी, इस कारण से थोड़ा सा कल से जो यहाँ पर प्रशासन है थोड़ा अलर्ट हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर काम चल रहा है, ये मुख्य गेट है एंट्री करने का, Gate No. 5 पे अभी साफ सफाई चल रही है। अभी देखिए हमको लगता है काम अभी कितने दिन, लगभग 5-6 महीना तो चल ही सकता है, हमको लगता है अभी बहुत सारा काम यहाँ पर बाकी है। ये देख सकते हैं, और जो आज तारीख है आपका 24 तारीख है भाई, आप लोग अंदर का व्यू देख सकते हैं, यह काफ़ी आधुनिक स्टेशन है, बहुत ही अच्छा बनाया गया है। और यहाँ पर प्लेटफार्म टिकट नहीं मिल रहा है भाई, आप लोग समझ सकते हैं बिना टिकट के आप अंदर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर हर जगह CCTV कैमरा लगा हुआ है, आप यहाँ पर आ नहीं सकते हैं बिना टिकट के, इस साइड पूरा देख सकते हैं। और बस Gate No. 3 से एंट्री मिल सकती है आपको, इस साइड में देख सकते हैं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष पूरा गेट। यहाँ पर देखिए यात्री बैठे हुए भी हैं अंदर, ट्रेन का अपना वेट कर रहे हैं। और इस साइड सीढ़ी है, वातानुकूलित प्रतीक्षालय इस साइड में है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे लोग अपना ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। ये
ये देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं आपको मिलेगी और हर क्षेत्र में अलाउ नहीं है जाना। और इस साइड में देखिए अभी काम कुछ चल रहा है, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष आगे है, शिशु देखभाल, और यही बनाया गया है पूरा यहाँ का। और उस साइड में प्रवेश वर्जित है, ये देख सकते हैं यहाँ बहुत ही भव्य बनाया गया है यह स्टेशन अयोध्या धाम जंक्शन, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोग को उस साइड का व्यू दिखाता हूँ। और भाई इस साइड में प्लेटफार्म पर आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट है, हर जगह टीटी और सुरक्षा बल पुलिस के लोग मौजूद हैं। और देखिए अब यहाँ पर ट्रेन आ रही है, कुछ ट्रेन आ रही है, कुछ नहीं आ रही है, ये देख सकते हैं बहुत से पैसेंजर यहाँ पर बैठे हैं। और इस साइड में देखिए वहाँ पे अभी काम चल रहा है उधर उस साइड में प्लेटफार्म नंबर 3 पे, देख सकते हैं अभी सीढ़ी बनाई जा रही है। यहाँ पर कुछ ही ट्रेन आ रही हैं, सारी ट्रेनें नहीं आ रही हैं, और हर तरफ जाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं बस जिस साइड जा सकता हूँ मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को पूरा व्यू दिखाने का। इस साइड में भी अभी काम चल रहा है, और भीड़ को देखते हुए इतना सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई है भाई ना, पूछो मत, हर जगह आपको टीटी पुलिस वाले दिखाई देंगे। वहाँ पे देख सकते हैं अभी देखिए कितना दिन यहाँ पर काम चलता है, ये देखिए सामने क्रेन। और ऊपर देख सकते हैं लोग वहाँ पे भी काम चल रहा है, और ये देखिए रस्सी बांधी गई है स्टेशन के पहले उस साइड कोई ना जाए, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है यह स्टेशन, मैं बहुत ही मुश्किल से समझ लिए दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पर जो स्वचालित सीढ़ी बनाई गई यहाँ पर देखिए बंद कर दिया गया है। और प्लेटफार्म नंबर देखिए 1 पर लिफ्ट भी बनाई जा रही है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर आपको 140 सीढ़ी हर सुविधाएं मतलब मिलेगी आपको, एक आधुनिक स्टेशन है, देख सकते हैं अभी यहाँ पर काम चल रहा है। तो फ्रेंड्स ये था पूरा यहाँ का भी अयोध्या धाम जंक्शन का, मैंने आप लोग को यहाँ का अपडेट दे दिया। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो गई है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। अगर बहुत आवश्यक है तभी आप अयोध्या आएँ, नहीं तो 1 या 1.5 महीने रुक कर आ सकते हैं, क्योंकि इस समय भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।